देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी का संबोधन, कहा 5G तकनीकी को लॉन्च करने के लिए मिलकर करे काम। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप, सरकार ने केजरीवाल को किया नजरबंद। भारत बंद का कई राज्यों में दिख रहा असर, बंगाल के ट्रेड यूनियन ने किसानों के समर्थन में निकाला मार्च, तो वहीं बिहार के दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं ने कानून के विरोध में फूकट आया। भारत बंद को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अपील, बातचीत के लिए आगे आए किसान भाई। भारत बंद को लेकर बिहार सरकार का सभी जिलों के एसपी को आदेश, कानून तोड़ने वालों पर करे सख्ती। किसानों के प्रदर्शन का 13वां दिन, नोएडा में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए एक व्यक्ति ने भैंस के आगे बजाई भी। सरकार से छठे दौर की चर्चा से पहले हरियाणा के किसान बटे, 1,20,000 किसानों ने सरकार का किया समर्थन। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं को किया गया नजरबंद, जबरन दुकानें बंद कराई तो होगी कार्रवाई। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो, सभी देशवासी चाहते हैं कि आज भारत बंद है, इसका समर्थन करें। इंदौर में मंडी बंद कराने पहुंचे पूर्व मंत्री साजन सिंह वर्मा और दिग्विजय सिंह, लोगों ने गिराया शटर, आधे घंटे बाद फिर खुलेंगी दुकान। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली शव यात्रा, अर्थी पर सजाई गई कृषि बिल की प्रतियां। जयपुर में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, जमकर हुई पत्थरबाजी। गौतम गंभीर का केजरीवाल पर निशाना, कहा किसान तो सिर्फ बहाना है, पंजाब की सियासत में आना। ब्रिटेन में भारतीय मूल के हरि शुक्ला ने मारी बाजी, सबसे पहले लगेगा कोविड-19 का टीका। किसानों का आंदोलन हुआ और भी उग्र, रामपुर के किसानों ने किया देश के प्रधानमंत्री का पुतला, पोस्टर लगाकर विरोध जाहिर। श्रावस्ती में मिशन शक्ति की उड़ाई गई धज्जियां, बीआरसी कार्यालय में स्वेटर लेकर विद्यालय जा रही महिला शिक्षक के साथ मारपीट, एक दर्जन दबंगों पर मारपीट करने का आरोप। महिला शिक्षक ने दबंगों पर महीनों से छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप, विरोध करने पर दबंगों ने महिला शिक्षक के साथ की मारपीट। एटा के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट पॉल्स के शिक्षक धरने पर बैठे, 6 महीने से सैलरी न मिलने पर परिवार भुखमरी की कगार पर। धरने पर बैठे शिक्षकों ने स्कूल मैनेजमेंट पर लगाया तानाशाही का आरोप, स्कूल प्रबंधकों ने शिक्षक के आरोप का किया खंडन। सपा के जिला उपाध्यक्ष पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई मुकदमों में वांछित चल रहे थे पप्पू यादव। 2020 भी सबसे गर्म साल बनने की ओर, वैज्ञानिक बोले ला नीना का कूलिंग इफेक्ट भी असरदार नहीं। किसानों के भारत बंद पर कंगना का तंज, बोली देशभक्तों से कहो अपने लिए देश का एक टुकड़ा तुम भी मांग लो। सैफ करीना ने बेटे तैमूर के साथ पालमपुर में विलेज वॉक का लिया आनंद, सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो। 85 साल के हुए धर्मेंद्र कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल अपने फार्म हाउस पर ही मनाएंगे अपना जन्मदिन। सुशांत की मौत का मामला, 4 महीने बाद भी CBI की चुप्पी पर उठे सवाल, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।